हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एनिमल वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे भारत में जो भी पशु पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं उनके बारे में अच्छे से आपको जानकारी दूंगा। जैसे हमारे भारत में 91,000 पशुओं की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। दुनिया की कुल आबादी का लगभग 6.5% है, जिनमें से 60,000 कीटों की प्रजातियां हैं, 2,456 मछली प्रजातियां हैं, 1,230 पक्षी प्रजातियां हैं, 372 स्तनपायी जीव पाए जाते हैं, 440 सरीसृप पाए जाते हैं और 200 उभयचर जीव पाए जाते हैं, जिसमें से पश्चिमी घाटों में सबसे अधिक एकाग्रता और 500 मोल्स शामिल हैं। अब बात करते हैं भेड़ों की। हमारे यहाँ 400 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। मवेशियों की 27 प्रजातियाँ पाई जाती हैं और बकरियों की 22 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। भारत में एशिया के कुछ ऐसे भी पशु पाए जाते हैं जो विश्व स्तर पर बहुत ही दुर्लभ है, जैसे कि बंगाली लोमड़ी, एशियाटिक चीता, मारब्लड कैट, एशियाटिक शेर, भारतीय हाथी, एशियाई जंगली गधा, भारतीय गेंडा, मखौर, जंगली गोर, जंगली एशियाटिक जल भैंस। तो भारत को राज्यों के संघ के रूप में जाना जाता है। हर राज्य की अपनी जलवायु, कला, संस्कृति, पहनावा और खान पान है। यही कारण है कि प्रत्येक भारतीय राज्य द्वारा अपनी पहचान के लिए अलग पशु पक्षी हैं। इनमें से कुछ जानवर और पक्षी लुप्त पाए हैं और कमजोर श्रेणी में आते हैं। यहाँ भारत के राज्य और जानवर और पक्षियों के बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा। पहले शुरू करते हैं आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु हिरन है और पक्षी इंडियन रोलर है। इंडियन रोलर भारत में बहुत अधिक ही देखे जाने वाला पक्षी है, जो पूरी सड़क के किनारे आसपास पेड़ों पर देखा जाता है। और जबकि काला हिरन भारतीय लुप्त प्राय प्रजाति है, जो बहुत कम ही देखने को मिलती है। हम बात करते हैं असम की। असम का जो राज्य पक्षी है वो है एक सफ़ेद पंखों वाला डक और जानवर जो है वो है एक सींग वाला गैंडा। भारतीय गैंडे को महत्वपूर्ण निवास घास के मैदान और नदी के साथ लगते जंगलों में पाया जाता है, जो मूलतः असम में ज़्यादा मिलता है। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, जिसका राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है और पशु है वो है हग्गाल। ग्रेट हॉर्नबिल भारत में पाए जाने वाले हॉर्नबिल परिवार का एक बड़ा सदस्य है। प्रभावशाली आकार और रंग के साथ बड़ा पक्षी भारत में कई आदिवासी संस्कृतियों के अनुष्ठानों का हिस्सा है, जो मुख्य रूप से पश्चिमी घाट और उत्तर भारत के सदाबहार जंगलों में रहते हैं। बात करते हैं बिहार की। बिहार का राजकीय पशु है ऑक्स और राजकीय पक्षी है स्पैरो। ऑक्स स्पैरो, जिसे हम गोरैया भी कहते हैं, जो पहले तो बहुत आम देखी जाती थी, मगर अब ये गाँव में ही ज़्यादा देखी जाती है, शहरों में लगभग ये लुप्त होने के कगार पर है। लड़का राज्य पक्षी मैना है और जंगली भैंसा यहाँ का राजकीय पशु है। दोनों ही जीव छत्तीसगढ़ में आम पाए जाते हैं। गोवा का राज्य पशु गोर है और पक्षी है ब्लैक क्रेस्टल बुलबुल। भारतीय बाइसन, इसकी सबसे बड़ी आबादी आज केवल भारत में पाई जाती है। भारतीय बाइसन दुनिया में पाए जाने वाले जंगली मवेशियों की सबसे बड़ी प्रजाति है, जो विलुप्त अरोच और जंगली पानी भैंस से भी बड़ी है। गुजरात का राज्य पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो है और भारतीय शेर यहाँ का राजकीय पशु है। गुजरात भारत का एकमात्र स्थान है जहाँ शेर पाए जाते हैं और गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ 535 भारतीय शेरों का अकेला घर है। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा का जो राजकीय पशु है वो है ब्लैक बग। राज्य पक्षी है ब्लैक फ्रैंकलिन। बग भारत में पाया जाने वाला सबसे तेज जमीनी जानवर है, जो राजस्थान के घास के मैदान और अन्य राज्यों के थोड़े जंगल वाले इलाकों में रहता है। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु हिम तेंदुआ और पक्षी है पश्चिम ट्रैपॉन। हिम तेंदुए के 5 बड़ी बिल्ली परिवार के मूल निवासी हैं, जो हिमालय की भारतीय पर्वत श्रृंखलाओं में से एक हिमाचल प्रदेश का ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क भारत में स्नो लेपर्ड के लिए सबसे अच्छी जगह है। झारखंड का
राज्य पशु हाथी है और राज्य पक्षी कोयल है। भारतीय हाथी को लुप्त प्राय माना जाता है, जो खतरे और शरण के खतरे के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। हाथी मुख्य भूमि भारत के मूल निवासी और जो भारत में पाए जाने वाले सबसे बड़े जंगली जानवर हैं। कर्नाटक का राजकीय पशु हाथी है और राजकीय पक्षी रोलर है। इंडियन रोलर जंगल का एक बहुत सुंदर पक्षी है, जो भारतीय उपमहाद्वीपों में व्यापक रूप से होता है। हमेशा सड़क के किनारे पेड़ों और तारों पर देखा जाता है। केरल का राजकीय पशु हाथी है और पक्षी है ग्रेटर हॉर्नबिल। ग्रेट पाइड हॉर्नबिल पक्षी दक्षिण में पश्चिम घाटों की श्रेणी में पाया जाता है। भारत में पाए जाने वाले हॉर्नबिल की 9 प्रजातियों में से एक है। महाराष्ट्र का जो राज्य पशु है एक गिलहरी है और जो पक्षी है वो पीले पैर वाला हरा कबूतर है। पीले पैर वाले हरे कबूतर महाराष्ट्र के राज्य पक्षी हैं, लेकिन वन में उल्लू राज्य पक्षी हरियाली की जगह ले सकते हैं। यह अत्यंत दुर्लभ पक्षी है। वन उल्लू महाराष्ट्र के मेलघाट क्षेत्र में पाया जाता है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है और राज्य का पक्षी है एशियाई सर फ्लाई कैचर। एशियाई फ्लाई कैचर मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है। वयस्क नर के पास नारंगी और सफेद रंग की लंबी पूंछ होती है। दोस्तों, मैंने 14 राज्यों के राजकीय पशु पक्षियों के बारे में आपको जानकारी दे दिया। बाकी के राज्यों के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। मैं इसकी एक सीरीज बनाने वाला हूं, जो आपको हर जानवर के बारे में अच्छे से विस्तृत जानकारी दूंगा। आप मेरे साथ बने रहे। दोस्तों, अभी तक की जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, जिससे मेरे आपको हर लेटेस्ट वीडियो के बारे में पता चल जाएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।